नमस्कार, मैं शिवम। स्वागत है आपका बैक बेंचर में। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन 5 अगस्त को होगी, पर इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में टाइम कैप्सूल को कुछ फीट गहराई पर रखा जाएगा। टाइम कैप्सूल में मंदिर से संबंधित सभी जानकारी निहित होगी, जो आने वाली कई हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगी। चलिए जानते हैं टाइम कैप्सूल क्यों रखा जाता है, पर उससे पहले हम जानते हैं कि टाइम कैप्सूल होता क्या है। टाइम कैप्सूल एक हाई क्वालिटी धातु से बना एक बक्सा होता है, जिसमें दस्तावेज रखे जाते हैं। यह इतनी उच्च कोटि के पदार्थ से बनाया जाता है, जिसमें तापमान, दाब, जंग, सड़ने गलने जैसी प्रक्रिया कई हजार सालों तक नहीं होती है, और इसमें सभी दस्तावेज सुरक्षित भी रहते हैं। टाइम कैप्सूल को मौजूदा पीढ़ी आने वाली दूसरी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखती है। अभी आपने देखा होगा राम जन्मभूमि कितने विवादों के घेराव में थी, और यह तय करना बड़ा ही मुश्किल था कि यह भूमि किसको दी जाए। परंतु अगर भविष्य में सैकड़ों साल बाद ऐसी स्थिति निर्मित होती है, या फिर सालों बाद यह धरती ना रहे, तो टाइम कैप्सूल की मदद से पता लगाया जा सकता है कि यह भूमि में क्या बना था, तथा उससे संबंधित सभी जानकारी, उसका इतिहास, भूगोल भी प्राप्त होगा। उम्मीद है टाइम कैप्सूल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही डलवाया जाएगा। एक सवाल और उठता है, क्या भारत में आज से पहले टाइम कैप्सूल कहीं और भी दफनाया गया था? तो जी हाँ, आज से पहले 15 अगस्त 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के द्वारा लाल किले में टाइम कैप्सूल दफनाया गया था, तथा इसमें हमारे भारत के स्वतंत्रता के 25 साल बाद तक का कहानी थी, और यह 5000 सालों तक सुरक्षित भी रहेगा। चलिए, अब तो सारी तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर में टाइम कैप्सूल को दफनाने की। आपसे मेरा एक सवाल है, इंदिरा गांधी के समय दफनाया गया यह टाइम कैप्सूल एक बार किसी नेता द्वारा निकलवाया गया था? कमेंट कर जरूर बताएं कि ये किस नेता के द्वारा निकलवाया गया था। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।